यार तुम वहां पूछेंगे तस्वीर ऐसे लो, ये बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है और हम आए आ जाऊंगा जय जी वहां पूछेंग तुम लोगों को विजिट किया। ये बीजिंग का सबसे सबसे मशहूर स्ट्रीट है, अगर आप बीजिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पे लाजमी आना चाहिए इस स्ट्रीट में। अगर यहाँ पे आके कुछ ना निकले आगे तो वो मेरा मसला नहीं है, ठीक है, मतलब नारकली नहीं है इधर वैसे है अनारकली में। अनारकली में इतनी गलियां रन खान खाव द रन खान खाव द रन खान खाव द रन यू आर खान खाव द रन यस वोशे खान खाव द रन इसका मतलब है यू आर अ वेरी गुड पर्सन इट्स नॉट एनीथिंग एल्स ओके अयो हाउ रन नो हाउ रन हाउ रन हाउ रन इज आल्सो गुड पर्सन अयो 一天比一天开心 यार वो मेरी स्विस वॉच का देखो मुझे लाइफ टाइम उन्होंने सेल दिया था लेकिन था तो दीदी यार गगा 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 इज व्हाट इज मेवंती है मैंने स्विस वॉच ली थी इनसे कनाडा में वो मेरी 2 महीने बाद उसका सेल खत्म हो गया उन्होंने बोला था लाइफ टाइम के लिए लेकिन घर है स्विस ये स्वाच है स्विस नहीं ये देखें जी वन फूचिंग में वन फूचिंग में ये सारा शॉपिंग मॉल है वन फूचिंग ड्रीम प्लेस हेलो हेलो गुड बाय हेलो हेलो करके उसको कहता गुड बाय हड़ताल करते हैं यहाँ पे हर चीज 5 RMB की मिलती है everything you can buy 5 RMB everything you can buy 5 RMB everything starts from 5 RMB everything is 5 RMB everything starts from 5 RMB and can go up to any level oh I thought it's just 5 RMB just a market umar bhai start kare तस्वीर अच्छी आएगी तुमने लेनी है तस्वीर तुम कहते हो चाइना में हर जगह ऐसी है तो है ये तो पठानू वाला है क्या कह रहे क्या कह रहे शिंजारी डांस करता ना बहुत ज्यादा वो कहते पीछे था जी को वो बढ़ दो हाय वो बढ़ दो बुढ़ बढ़ दो चलो भाई एचएल में कुछ लेना है एचएल मैंने पी के फेंक दी ये हमें यहाँ नाचने के लिए लेके आई है उम्र ही कर सकता है ये हम नहीं करेंगे我那边有一个很好的朋友来这边旅游嘛真的你玩得开心吗你跟妈妈来了、啊、那是哪一个国家的我是巴基斯坦巴基斯坦What's your name? What's your name? 你名字是什么？你名字是什么？西装。正。你多大吗？14左右。啊，厉害厉害。还有人。哎呦哎呦。很高兴 ，Yes。
बाय बाय खुश हो गया सही खुश फूजिंग स्ट्रीट ये देख सकते हैं आप पीछे बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है इट लुक्स सो गुड बट वी लॉस्ट आवर पार्टनर्स वाह आज का दिन आपका कैसा रहा जनाब आज का दिन अच्छा रहा जी हम तो पहले गए स्केटिंग के लिए और उसके बाद हम किधर गए थे ओल्ड सिटी और अभी हम हैं ओल्ड येट मॉडर्न सिटी लाइक यू नो वी आर एट वांगफुजेंग और वांगफुजेंग जो है वो कमर्शियल एरिया है कमर्शियल स्ट्रीट है बीजिंग की ये देखने में तो नई लगती है लेकिन ये बहुत पुरानी है ये मेरे ख्याल से थांग डायनेस्टी के टाइम की है जो 1300 से 1600 ईस्वी के दरमियान रहे और वैसे वो चाइना के बारे में एक बड़ी जरूरत मिसल है ना कि ये एक भूला और नौजवान मुल्क है तो ये चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट 800-900 साल पुरानी जगह है लेकिन ये इतनी मॉडर्न भी है हर लिहाज से आप देख लें हर चीज़ है यहाँ पे हाँ मेरे ख्याल से लोकल लोग तो हमें बहुत कम नज़र आए हैं ज़्यादा तो टूरिस्ट ही हैं और आप देख लें ना स्ट्रक्चर कैसा है हर चीज़ एक स्पेस हाँ चाइना में जिस तरह से चाइना की लोकल टूरिज्म ने बहुत बूस्ट किया है कोविड के दौरान क्योंकि चाइनीज लोग बाहर जा नहीं रहे तो वो सारे फिर चाइना के अंदर ही वो टूरिज्म करते हैं और इस वजह से हर चीज़ राशि राशि आप जिस तरह जाएं और यहाँ आप देख लें कितना स्पेशियस है ये हर चीज़ है ये पीछे एक चर्च है बड़ा एक साफ और उसके बाद इधर सारे ब्रांड है नहीं ऐसी बात नहीं है चाइना में 2.5-3 करोड़ बल्कि कोई लोग कहते हैं कि 4 करोड़ के करीब मुसलमान हैं आपको हर सिटी में मिलते हैं और हर सिटी में मुस्लिम की स्ट्रीट है वहाँ पे आपको मुस्लिम फूड मिलता है और इस तरह क्रिश्चियन भी हैं यहाँ पे और दूसरे भी हैं चाइना में किसी भी चाइना में सिर्फ एक चीज़ की पाबंदी है पॉलिटिक्स की हाँ यानी किसी भी चीज़ को ना रिलीजन को ना किसी आइडिया को आप पॉलिटिक्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते किसी को नहीं करने देते ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देख लें इसमें जो है ना ये एक पेडेस्ट्रियन टाइप बना हुआ है यहाँ पे आप देख लो कितने बड़े रोड हैं लेकिन गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी और वो लगे वो देखें वो सामने ब्लॉक लगे हैं वो वाले ब्लॉक नहीं के लगा उठा वो मेरे ख्याल से वो ना जंपर टाइप है वो नीचे रोड में चले जाते हैं फिर वो जो यानी वो एक वक्फे के बाद फिर एक गाड़ी को छोड़ते हैं और सिर्फ वही गाड़ी आती है जिसका अंदर काम है यानी जो फिर पास करती है बसेस एरिया से नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है लेकिन बड़े तरीके के साथ है और देख लो ये कितने खुले रोड हैं ये सिर्फ आवाम घूम रही है इनमें इस तरह हमारे उधर राजा बाजार आप चले जाओ नारकली या कराची में वो इतना रश होता है इधर बैठा हुआ है नीचे रड़ी वाला इधर बैठा हुआ है जराब बेचने वाला इधर बैठा हुआ है वो एक बाइक वाला ड्रूं ड्रूं एक इधर से मार रहा है उधर से मार रहा है असल में ना एक असल में एक जो भी नेशंस ऊपर जाती है ना सबसे पहले उनका टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है कि वो चीजों को कैसे लेके आगे चलते हैं ये लोग पहले चीज को दिमाग में बनाते हैं फिर उसके बाद उसको रोड पे बनाते हैं यानी हमारे यहाँ ये होता है कि बस जिसको जहाँ पे सुराख मिला बिल्डिंग ठोक दो भाई बाकी छोड़ो बाद में देखी जाएगी तो उसने रखा होता है बेचने वाले को यहाँ पे सिस्टम है हर चीज का एक सिस्टम है बड़े बड़े ब्रांड है ये तो बहुत बड़ी बड़ी जगह है ये तो मशहूर जगह है यहाँ पे तो ऐसा ये कुछ करने भी नहीं देंगे लेकिन चाइना में ओवरऑल एक मैनेजमेंट है हाँ वो जिस जगह पे हम गए थे वो हजारों साल पुरानी जगह है वो भी इतनी साफ थी आप तस्वर नहीं कर सकते ऐसे तो हमारे घर साफ नहीं होते और सफाई में सिर्फ ईमान हमारा है और पूरा इनके पास है ये बड़ी अजीब बात है यानी मुसलमानों के लिए सफाई में सिर्फ ईमान है इनके पास पूरा ईमान है सफाई यानी 50% तो इनके पास है ऑलरेडी